हेलो सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स एनके मैनिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के नेक्स्ट अपकमिंग पेपर रॉयल रंबल के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलेगा 28 जनवरी 2019 में। तो इस मैच के बैटिंग ऑर्ड्स आ चुके हैं कि 13 मैन रॉयल रंबल मैच पे कौन से 10 सुपरस्टार्स हमें 13 मैन रॉयल रंबल मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 10 नंबर पर जो सुपरस्टार है वह डीन एम्ब्रोस। तो फ्रेंड्स, डीन एम्ब्रोस की फ्यूड हम देख रहे हैं सेथ रॉलिंस के साथ चल रही है, तो हो सकता है वो हमें, मुझे नहीं लगता कुछ खास है उनका चांस। सो 9 नंबर पे मॉन्चर मैकमैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। तो फ्रेंड, ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले इस पोजीशन पे, मतलब इस टक्कर में सबसे पहले नंबर पे थे, लेकिन उनका मैच फिक्स हो चुका है अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर एट रॉयल रंबल, तो वो आ गए हैं 9 नंबर पे। 8th नंबर पर जो सुपरस्टार हैं वो हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जॉन सीना। तो फ्रेंड, जॉन सीना भले ही हमें WWE में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन फिर भी उन्हें बैटिंग मर्सर 8th नंबर पर रखा है। तो नेक्स्ट जो सुपरस्टार हैं, जो कि 7th नंबर पर, वो हैं द डोमिनेटर बॉबी लैशली। तो फ्रेंड्स, बॉबी लैशली का भी काफ़ी अच्छा पुश देखने को मिल रहा है हमें WWE में। तो 6th नंबर पर जो सुपरस्टार हैं वो हैं एंडरसन अल्मस, जो कि स्मैकडाउन से हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम ने देखा था कि हमें बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग ही शिंसुके नाकामुरा जीतते हुए दिखाई दिए, तो हो सकता है इसी तरह हमें एंडरसन अल्मस भी हमें जीतते हुए दिखाई दिए। तो 5 नंबर पे जो सुपरस्टार हैं द प्रोमबल द रॉक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जॉन सीना की तरह द रॉक भी हमें WWE में दिखाई नहीं दे रहे, तो बैटिंग ऑर्ड्स ने फिर भी इन्हें 5th नंबर पे पोजीशन दिए। तो देखते हैं क्या रॉक हमें सरप्राइज एंट्रेंस देखने को देते हुए दिखाई दे सकते हैं रॉयल रंबल मैच में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर रॉक आएंगे या नहीं आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो जो 4th नंबर पे जो सुपरस्टार है वो है द फिनोमिनल वन AJ स्टाइल्स। तो फ्रेंड्स, हम AJ स्टाइल्स के साथ देख रहे हैं कि उनकी WWE चैम्पियनशिप अब छीन ली गई, मतलब अब WWE चैम्पियन है डैनियल ब्रायन, तो हो सकता है कि AJ स्टाइल्स को जिता दिया जाए रॉयल रंबल मैच और उन्हें फिर से रीमैच मिले एट रेसलमेनिया। जो 3rd नंबर पर जो शॉकिंग सुपरस्टार है वो है द मिस। तो फ्रेंड्स, बैटिंग ऑर्डर कभी भी द मिस को अंडर एस्टिमेट नहीं करती है, और उनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए उन्हें 3rd नंबर पर रखा गया है। जो नेक्स्ट सुपरस्टार हैं वो हैं 2nd नंबर पे, जो कि सुपरस्टार हैं वो हैं ड्रू मैकइंटायर। तो एक टाइम पर कंपनी से बाहर कर दिए गए ड्रू मैकइंटायर, अब कंपनी उनको पर भरोसा कर रही है, और बैटिंग ऑर्ड्स ने भी उन्हें 2nd नंबर पे, 2nd पोजीशन पे रखा है कि वो दूसरे ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि सबसे ज़्यादा चांस है रॉयल रंबल जीतने के। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें ड्रू मैकइंटायर ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सुपरस्टार है, जो कि 1st नंबर पे, वो हैं द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस। जी हाँ फ्रेंड्स, अब तक के इन सभी सुपरस्टार में सबसे ज़्यादा चांसेस सेथ रॉलिंस के हैं कि वो हमें इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं, और वो फेस कर सकते हैं यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को एट द रेसलमेनिया 2019। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ कि रेसलमेनिया में कौन सा सुपरस्टार हमें ब्रॉक लेसनर को फेस करता हुआ दिखाई देगा फॉर द यूनिवर्सल चैम्पियनशिप। तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सभी बातें जो कि हमें रॉयल रंबल 2018 के लिए अभी तक हमारे बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग आई थी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुई सभी वीडियो सबसे पहले।